और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। इस रात्रि काल प्रार्थना में एक और बार आप सबका स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज रात प्रभु आपकी जीवन में अद्भुत कार्य करे, परमेश्वर आपके जीवन में सामर्थ्य कार्य करे, और डिवाइन पावर मिनिस्ट्री से की ओर से आप सबका प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष करे। कैसे हैं आप सब? मैं विश्वास करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग आनंदित और खुश होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे इस रात्रि काल की प्रार्थना में, और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े अद्भुत कार्य करे। डिवाइन पावर मिनिस्ट्री से की ओर से आप सबका स्वागत करते हैं, आशीष करते हैं। आइए मिलके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 36 वचन से देखते हैं। आइए पढ़ते हैं और प्रभु के नाम को महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा। तो आइए अपने बाइबल को निकाल लीजिए, पढ़ेंगे हम 24 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार उसका 36 वचन। लिखा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता। और जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का दिन, पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिन में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएंगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते भी, वो उसी घड़ी में मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तो प्रभु आशीष करे, और प्रार्थना में बने रहिए, प्रार्थना हर रोज करते रहिए, जागते रहिए, प्रार्थना करे। और जितने लोग आज निराश हैं, उदास हैं, और जितने लोग आशा खो चुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि भजन संहिता 128 में लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है और जो यहोवा के मार्गों पे चलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जीवन में कोई भी घटी नहीं होती है। उसको सियोन से आशीष मिलता है, और उसके घर में, उसके जीवन में भरपूरी की आशीष होती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके जीवन में भरपूरी की आशीष दे, आपके स्वास्थ्य में परमेश्वर वो आशीष दे, आप बीमारी में परमेश्वर आपको चंगाई दे। तो इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ सेनाओं के यहोवा की ओर से, हर एक परिवार के लिए, हर एक परिवार में लोगों के लिए प्रभु की सामर्थ और आशीष उनके जीवन में आने के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, सारे परिवार के लिए, कि प्रभु उनके जीवन में रास्ता खोलिए। हर एक परमेश्वर परिवार में प्रभु उनके नाम धराई को दूर कीजिए। और प्रार्थना करते हैं इस समय उन तमाम बीमार लोगों के लिए प्रभु, जो परमेश्वर कष्ट के साथ, दुख के साथ, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, अस्पताल में है प्रभु परमेश्वर, वो आशा खो चुके हैं। ओ प्रभु, वो अपने दिन को गिन रहे हैं, ओ कब मुझे मृत्यु मेरे ऊपर आएगी, ओ मुझे, ओ हालेलुया, इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मगर सेनाओं का यहोवा जो जीवन देने वाला परमेश्वर, मैं आपके समीप लाता हूं तमाम भाई बहनों को प्रभु परमेश्वर, जो वेंटिलेटर में है, आईसीयू में है, जो परमेश्वर पिता मेरे खुदावन प्रभु लड़ रहे हैं प्रभु अपने जीवन से प्रभु, मैं दुआ करता हूं जीवित परमेश्वर प्रभु, जीवन को फूंक दीजिए उनके नथनों में, और प्रभु उन्हें नया बल, नई ताकत दीजिए। सेनाओं के यहोवा, सारी बीमारी, सारे कैंसर, सारी ओ हार्ट की प्रॉब्लम, बीपी, शुगर की प्रॉब्लम, किडनी, लीवर की प्रॉब्लम, ओ परमेश्वर वीकनेस, सारे प्रॉब्लम दूर होने पाए, पाइल्स की, फिस्टुला की प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, पेट की जो प्रॉब्लम है परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, ब्रेन की जो प्रॉब्लम है, ओ सारे बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए तेरे लोगों के जीवन से। सांस में जो प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता,
मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, अपनी आत्मा को परमेश्वर उंडेल दीजिए अपने बेटे और बेटियों के ऊपर। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन परमेश्वर, आपके बेटे और बेटी के परमेश्वर घरों को रक्षा कीजिए प्रभु, उनके परमेश्वर परिवार को बनाइए प्रभु, उनके परिवार में आशीष कीजिए परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, आपका आशीष आपके बेटे और बेटियों पे आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि काल में। प्रभु उन पे कृपा दृष्टि कीजिए इस रात्रि काल में, तेरे बेटे और बेटी प्रभु आशीषित होने पाए मेरे पिता। हालेलुया। ओ रक्तम से हम लहू की जय, लहू में सामर्थ्य, लहू में चंगाई है, लहू में छुटकारा है। प्रभु यीशु तरस खाइए परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा तरस खाइए अपने बेटे और बेटियों पे परमेश्वर। हालेलुया। ओ रीबा शंदर बरबा रबा रिखा बदूरी अंदर बा रूहानी रबो रीमा सुखो दूरी अंदर बा। प्रभु तरस खाइए पिता, तरस खाइए मेरे परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में, तरस खाइए मेरे परमेश्वर कि तेरे लोग भले चंगे होने पाए प्रभु, तेरे लोगों के जीवन में प्रभु सामर्थ हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि काल में प्रभु परमेश्वर हर एक परिवार को छू लीजिए। और प्रभु जब लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु रात दिन प्रभु तेरे बेटे और बेटियों के लिए, ओ प्रभु डिवाइन पावर मिनिस्ट्री टीम जब प्रार्थना कर रही है प्रभु, उनके जीवनों में आशीष कीजिए प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन से हर एक तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन टूटने पाए प्रभु यीशु के नाम से। सारे घर से प्रभु अंधकार की शक्ति, शैतान के कार्य दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर हर एक जवान बेटे बेटियों के लिए अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए, उनके परिवार में आनंद खुशी की लहर आने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर अच्छा जीवन साथी प्रभु उनको मिलने के लिए मदद कीजिए मेरे प्रभु। आपके द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। हाथ को बढ़ाइए मेरे पिता, उनके जीवनों में कार्य कीजिए। हर एक परिवार को परमेश्वर आशीष दीजिए, जिनको बच्चे की आशीष नहीं है प्रभु उनको बच्चे की आशीष दीजिए, उनके गर्भ को आशीष कीजिए प्रभु यीशु के नाम से। मैं घोषणा करता हूँ मेरे पिता तेरी अनुग्रह को दीजिए प्रभु, हर एक बुजुर्ग माता पिता को आशीष कीजिए। प्रार्थना करते हैं जिनके पास नौकरी नहीं है उनको अच्छी नौकरी दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बेरोजगार है प्रभु उनको रोजगार दीजिए यीशु नासरी के नाम से, उनको रोजगार दीजिए मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु, हालेलुया रक्तम जयम छूले छूले परमेश्वर, तेरे लोगों के जीवन को छू लीजिए मेरे प्रभु। तरस खाइए मेरे परमेश्वर, जो लोग प्रभु निराश हो चुके हैं प्रभु, जो लोग परमेश्वर पिता उनके जीवन में कार्य नहीं हो रहा है प्रभु, विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, पीछे हट रहे हैं विश्वास में, विरोध है प्रभु उनके घरों में, लड़ाई झगड़ा हो रहा है प्रभु, शैतान जो उनको प्रभु परमेश्वर पिता तुझसे दूर लेके जा रहा है प्रभु, उनके जीवन में कार्य कीजिए, उनके परिवार में कार्य कीजिए, बेटे बेटियों के जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, उन्हें परमेश्वर वापस अपने पास लेकर आइए प्रभु, उनके मनों को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर, जीवन को बदल दीजिए मेरे प्रभु। ओ प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु हर एक कलेश घरों से दूर होने पाए प्रभु, पति पत्नी के बीच में कलेश दूर होने पाए, मेल मिला आपकी आत्मा दीजिए प्रभु परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सेनाओं के यहोवा, जवान बच्चों को आज्ञाकारिता में चलने के लिए मदद कीजिए, वे विचार की आत्मा प्रभु दूर होने पाए, अनाज्ञाकारिता की आत्मा दूर होने पाए। बिजनेस में आशीष दीजिए, कई लोगों का बिजनेस बंद है प्रभु, बिजनेस में उन्नति होने पाए प्रभु, बिजनेस में वो आगे बढ़ने पाए प्रभु। मेरे पिता आपके बेटे और बेटियों को आशीष कर दीजिए, सेनाओं के यहोवा आशीष दीजिए प्रभु, जीवित परमेश्वर आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया 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 प्रभु महान कार्य कीजिए मेरे पिता, सेनाओं के यहोवा महान कार्य कीजिए। रक्तम जयम प्रभु यीशु, तेरी महिमा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि काल में परमेश्वर, आशीष को दे दीजिए प्रभु, अनुग्रह को दे दीजिए। और जितने लोग डिवाइन पावर मिनिस्ट्री सेवकाई के लिए प्रभु परमेश्वर पिता अपने शारीरिक रूप से आर्थिक रूप से प्रभु परमेश्वर पिता सपोर्ट करते हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस सेवकाई को प्रभु परमेश्वर पिता मेरे खुदावन और ज़्यादा प्रभु लोगों के बीच में कार्य करने के लिए मदद कीजिए। हर एक लोग प्रभु बोझ के साथ प्रभु इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर कार्य करे और आशीषित हो प्रभु, तमाम जगह जगह पे प्रभु परमेश्वर तेरे सुसमाचार सुनाया जाए, ओ प्रभु तेरे लोग उसमें आशीष होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ सेनाओं के यहोवा,
अनुग्रह कर दीजिए अपने लोगों के ऊपर, दया कर दीजिए मेरे पिता। और इस रात्रि काल में परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ अपने परमेश्वर लोगों को बहुताई से आशीष कीजिए। हर एक लोग जो परमेश्वर पिता इस सेवकाई को आगे बढ़ने के लिए अपने हाथ को बढ़ाते हैं, दान और दशमांश प्रभु परमेश्वर जो भेजते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं आशीष कीजिए मेरे पिता, आशीष कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको नींद नहीं आती अच्छी नींद आने पाए, उनके परिवार में परमेश्वर पिता अच्छी नींद को दीजिए प्रभु। जो लोग परमेश्वर पिता इस समय प्रभु परमेश्वर पिता प्रेगनेंसी में है परमेश्वर पिता, तेरे बेटियों को प्रभु आशीष कीजिए, उनके गर्भ को आशीष कीजिए, सुरक्षित कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों को आज छू ले, आत्मा में पवित्र आत्मा में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए प्रभु। प्रार्थना की आत्मा दीजिए, वचन पढ़ने की आत्मा दीजिए, हर एक लोग प्रभु आत्मिक उन्नति को प्राप्त करें और प्रभु तेरे राज्य में आगे बढ़े। प्रभु हर एक भरमाने वाली आत्मा हर एक प्रकार से सब दूर करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। छू लीजिए और बड़ी आशीष दीजिए प्रभु, आपके हाथों में सौंपता हूँ, महान कार्य कर और दया कर, सारी चीजों में आपको महिमा करते हैं। पवित्र आत्मा छू कर और आशीष कीजिए, प्रार्थना को सुनकर उत्तर दीजिए और परमेश्वर हर एक के जीवन में आप कार्य कीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रार्थना में हर रोज बने रहिए, प्रभु आपको आशीष करें। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रार्थना को, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आपको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट सबको, जय मसीह की, और सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। गॉड ब्लेस यू।